क्वेश्चन है इनका, अगर मैं बीएड विच पंजाबी ते फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट रख दिया ते पीएस टेट फिजिकल एजुकेशन दा देना पड़ेगा। देखिए अगर आप सी टेट की बात कर रहे हैं, एक सी टेट की आपने नहीं की, सी टेट देना चाहते हो तो सी टेट के पास दो ही ऑप्शन है, एक मैथ्स की पेपर टू के लिए, पेपर वन के लिए नहीं, पेपर वन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पेपर वन मीन आपने एट्थ तक के लिए एलिजिबल, सॉरी फिफ्थ तक के लिए एलिजिबल होना है, जहाँ पेपर टू है एट्थ तक और सेकेंडरी लेवल के लिए एलिजिबल होना है। तो सी टेट के लिए दो ही ऑप्शन है, आपका फिजिकल एजुकेशन नहीं है, जहाँ आप मैथ साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो, जहाँ ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स। ओके, तो पी एस टेट ने इस बार ऑप्शन दी है पी एस टेट ने, पर ये बात ज़रूरी है कि आपने पी एस टेट पास हुआ होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में पास कर लिया है, क्योंकि आपकी नॉलेज इसके फिजिकल एजुकेशन के 60 क्वेश्चन आने हैं, 60 सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के नहीं, इनमें लगभग 40 जो होंगे आपके कंटेंट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे पैडागोजी के, टीचिंग के होंगे, वो कॉमन होते हैं। तो ये 60 पर मास्टरी किस पर है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप पी एस टेट में जैसे इस बार चेंज आया है तो आपको पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, मेजर आपका वैसे सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होगा, पंजाबी आपका, क्योंकि बाकी आपने सब्जेक्ट मुझे नहीं बताए हुए है ना। तो आपका मेजर ये है, माइनर ये हो गया, आपने बीएड इससे कंप्लीट कर ली। उसके बाद जब बीएड कंप्लीट नहीं की, ये याद रखिए कि आप एंट्री करते हुए फर्स्ट सेम में अगर पीएसटेट, ये हो गया फर्स्ट सेम, अगर पीएसटीईटी पंजाब स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आउट होता है तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। एक दो बार आपके बीएड होते हुए दो साल में दो तीन बार आता है तो आप पीएसटेट क्लियर कर लोगे, तो आपको फिजिकल एजुकेशन में ही जाना पड़ेगा। आपका उत्तर यह है, सब्जेक्ट रख दिया था सर, पीएसटेट फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का ही होना है, सिर्फ ए क्वेश्चन जेड़े सॉरी ए वाले क्वेश्चन जेड़े 40 होने हैं, ए डिफरेंट होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होंगे। थैंक यू।